हे व्हाट्सएप गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा होली स्टैश। आज है छोटी होली, कल गुलाटी है खेलने वाली होली। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे होली का स्टैश। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास पनिया, पॉली बैग्स जिनमें पानी भर के हम मारते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मतलब आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं मेरे पास। है चार पैकेट है, दो मणिकचंद के और दो लव इंडिया के। तो इनमें मारना ना, गांठ मारना काफ़ी इजी होता है, मतलब ये काफ़ी बढ़िया होता है, इनमें भर सकते हैं। मतलब मैं तो ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी ये इस होली पे मेरा एक ही पैकेट ख़त्म होएगा, अगली होली पे काम आएंगे। ये भी इनमें से ए वाला जो पैकेट है पिछले होली का बचा हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ए है गाइस पक्के रंग, ए है गोल्डी बर्ड का 2-in-1 रू रंग, काफ़ी गोल्डन है तो काफ़ी तगड़ा रंग है। मेरा हाथ भी एकदम हो चुके हैं, मैं आज खेल के आया था। और एक कुछ छोटी छोटी डबियों के रंग, ये भी रू रंग ही है, एक लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन, एक डार्क पिंक है और एक लाइट पिंक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आ चुके हैं हमारे पास गुलाल, ये है कोक ब्रांड का गोल्ड गुलाल, ये है कोक ब्रांड का वेलवेट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे पास दो येलो है, ग्रीन है और ये पिंक है, और एक कालिया और राजू के भी गुलाल है होली इन ढोलकपुर। ये मैं पहली बार ट्राई करूँगा, मेरे को पता नहीं कैसे होते हैं। इनमें कलर तो येलो ही है दोनों में, मेरे को येलो कलर भी वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये है ऑटोमेटिक बलून्स, ये मेरे को काफ़ी पसंद है, मैं सबसे ज़्यादा होली पे इन्हीं का यूज़ करता हूँ। फिर मैं यूज़ करता हूँ इनका, मतलब दोनों का यूज़ करता हूँ, दोनों ही भर के रखता हूँ मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यही यूज़ करता हूँ। मेरे पास तीन पैकेट है जिनमें तीन बंच होते हैं, और दो पैकेट है जिनके अंदर एक एक बंच होता है। तो मेरे पास टोटल 11 बंच है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कोक ब्रांड के डिलक्स बैलून, जिनको हमें फुलाना पड़ता है, गांठ मारनी पड़ती है। मेरे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार वगैरह दे जाते हैं इनको, तो इसलिए रख लेते हैं। वैसे ज़्यादातर तो हम हमारे दूसरे रिश्तेदारों को दे देते हैं, एक मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और मैं भी पहले खरीद के लाया था इनमें से, तो जब के बचे हुए यूज़ ही नहीं हुए बिल्कुल भी। ए और ए दो, ए तीनों तो कोक के है, और एक है रॉयल का। ये मैं पहली बार ट्राई करूँगा, पता नहीं कैसे होते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। बोल रहे 100 पीसीज है, देखते हैं कितने पाते हैं। कोक वालों ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि 100 वगैरह पीसीज है। पैकेजिंग तो मेरे को कोक की ज़्यादा अच्छी लगी। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये है हमारे पास कलर स्मोक फॉग फाउंटेन छोटे वाले, और एक बड़े वाला है, और ये बोस का कलर स्नो स्प्रे है जो कि है ऑरेंज। ये है मेरे पास। और आगे पिचकारी, ये भी कोक ब्रांड की पिचकारी है गाइस, और इसमें सायरन भी बजता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बटन है, सायरन भी बजता है इस पिचकारी में। और एक कोक ब्रांड की है भी, मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे लेबल भी था, ये देखिए कोक ब्रांड की पिचकारी है। ओके, थोड़ा पानी भी टपका क्योंकि मैंने अभी अभी इसका यूज़ किया था। यही है होली का स्टैश। तो और अगर हम इसका टोटल करें तो मेरे ख्याल से 1-2 हज़ार का तो नहीं है, तो एक को तो पता नहीं गाइस कितने का है, लेकिन बैलून्स जो है 100-100 के है, 380 गाइस। फिर बाकियों का मेरे को रेट पता नहीं है, मेरे पापा ही लेकर आए थे, पापा दादू मम्मी सब। तो ये है
मेरा होली का स्टैश गाइस। अगर आपको मेरा स्टैश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।